Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। सभी के घरों में इससे कई तरह के स्वादिष्ट डिश बनते हैं। जब भी आप मार्केट जाते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 70 रुपए किलो के बीच आलू की कीमतें रहती हैं। ऐसे में अगर एक किलो आलू की कीमत 40 से 50 हज़ार रुपए बताई जाने लगे तो आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि दुनिया में आलू की एक ऐसी वैरायटी की खेती होती है जिसके एक किलो की कीमत 50 हज़ार रुपए के करीब है। कहाँ होती है इसकी खेती? ली बोनेटे नाम के इस आलू की खेती फ्रांस के द्वीप यानी कि ले डी नॉर्मॉची में होती है। रेतीली मिट्टी पर इसकी खेती होती है। समुद्री शैवाल इसके खाद के तौर पर काम करते हैं। कहा जाता है कि इसकी खेती सिर्फ 50 वर्ग मीटर के जमीन पर ही की जाती है। दुनिया के 5 सबसे महंगी सब्जियों की लिस्ट में शामिल। 18वीं वेबसाइट के मुताबिक प्रति किलोग्राम इसकी औसत कीमत 500 यूरो यानी कि करीब 44,242 रुपए प्रति किलो है। हालांकि इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। वैश्विक मीडिया कंपनी कोंडे नास्ट ट्रेवल ने इसे दुनिया की 5 सबसे महंगी सब्जियों में शामिल किया है। आलू की सबसे दुर्लभ प्रजाति। इस आलू को दुर्लभ प्रजाति के श्रेणी में रखा जाता है। लेबोनेटो को प्रत्येक वर्ष केवल 10 दिनों के लिए ही पाया जाता है। इसकी खेती के लिए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। लेबोनेटो आलू के रोपण के 3 महीने बाद इसकी खुदाई कर इसे निकाला जाता है। फरवरी में इसकी बुआई और मई में इसकी खुदाई की जाती है। जमीन से इस आलू को निकालने के लिए हल्के हाथ का उपयोग करना पड़ता है, वरना इसे नुकसान पहुँच सकता है। कहाँ कितनी कीमत? इस आलू का स्वाद नमकीन होता है। इसका उपयोग प्यूरी, सैलेड, सूप और क्रीम की तैयारी के लिए किया जा सकता है। साथ ही कई बीमारियों के खिलाफ इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रेंड इंडिया पर 1 किलो ली बोनेटे की कीमत लगभग 690 USD यानी कि 56,020 रुपए किलो है, तो वहीं गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस पर ये इसके 500 ग्राम आलू की कीमत 300 USD यानी कि 24,000 रुपए है। तो है ना हैरान करने वाली बात कि इतना महंगा आलू भी मिलता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।